चार धाम यात्रियों की सुविधा के लिए ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की गई है। सीएस श्रीमती राधा रतूरी ने जानकारी दी कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, विश्व फाउंडेशन तथा हंस फाउंडेशन ने ई स्वास्थ्य धाम ऐप की शुरुआत की है। ई स्वास्थ्य धाम ऐप पर सभी श्रद्धालुओं को अपना स्वास्थ्य डेटा अपलोड करना होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह पर श्रद्धालुओं की हेल्थ स्क्रीनिंग की जाएगी। इन स्क्रीनिंग पॉइंट्स पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के साथ ही हंस एवं विश्व फाउंडेशन के चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे। विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी। इसके साथ ही सचिवालय में स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग की बैठक के दौरान मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूरी ने स्वास्थ्य एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी रजिस्ट्रेशन के दौरान देने के लिए जागरूक किया जाए। इसमें मीडिया की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बैठक में सचिव श्री सचिन कुर्वे, अपर सचिव डॉक्टर अमनदीप कौर सहित अन्य अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हुई है और पहले 10 दिन में ही लगभग 7 लाख यात्रियों ने चारों धाम की यात्रा कर ली है, तो ये संख्या बहुत अधिक है। तो इसमें विशेष रूप से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी श्रद्धालुओं की हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग ठीक प्रकार से हो, जिससे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या ना हो। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन तीनों ने मिलकर एक ई स्वास्थ्य धाम करके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को अपने हेल्थ से संबंधित डेटा अपलोड करना है। तो जो स्वास्थ्य विभाग की साइट है जहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी ऑनलाइन साइट से ये ई स्वास्थ्य धाम का जो पोर्टल है इसको जोड़ा जाएगा। जो सूचना श्रद्धालु ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को दी है वो स्वास्थ्य विभाग से भी शेयर हो जाएगी। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है कि जगह जगह पे श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, विश फाउंडेशन और हंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स भी रहेंगे। और विशेष रूप से जो 50 साल से ऊपर के श्रद्धालु हैं उनकी अनिवार्य रूप से हेल्थ चेकअप, हेल्थ स्क्रीनिंग कराई जाएगी, जिससे जब वो धाम में पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोगों के सभी धाम बहुत हाइट पे स्थित हैं, वहां पे ऑक्सीजन की भी कमी होती है और बहुत ज्यादा ठंड होने से हाइपोथर्मिया की भी समस्या आती है,